संसार में जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं तो सबसे पहले क्या पूछते हैं, किसकी गारंटी है, गारंटी मांगते हैं, कोई भी चीज हो। तो किसी ने एक चाइना की लड़की से शादी कर ली, वो 6 महीने बाद में मर गई, तो बोला रहे क्या बात हुई, क्यों रो रहा है। वो बहुत धाड़ मार मार के रोए कि बहुत प्रेम था पति पत्नी में। तो इतना प्रेम था कि बेचारे प्रेम विवाह में बंध गए और बड़े सुखपूर्वक जीने लगे। तो 6 महीने बाद पत्नी मर गई, तो रोए कि पत्नी मर गई, कि बोलो देखो भाई, चाइना का जो सामान है ना, तो वो 6 महीने से अधिक नहीं चलता, रोने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे आदमी गारंटी की बात करता है कि गारंटी क्या है। कोई भी चीज़ खरीदते हैं, छोटी सी एक पेन भी लेते हैं ना, तो बोलते हैं, और बेचने वाले भी कितने बुद्धिमान हो गए आजकल, बोलते हैं इसकी 1.5 साल तक गारंटी है। बोला टूट जाए, बोला नहीं नहीं नहीं, यदि इसकी कोई अंदर से स्याही वगैरह छोड़ दे, कलर कर दे, ऐसी गारंटी बताएंगे जो हो ही नहीं सकता। तो एक दिन मैं किसी स्कूल में गया, तो बच्चे जवान बच्चे थे, मुझे कहने लगे चलो हम परमात्मा की तरफ चल भी पड़े, तो इसकी गारंटी, वो क्या गारंटी लेता है हमारी। इधर के हम ये बुरी आदतें जो भोगवादी संस्कृति है, इससे हम हटें भी तो उधर से मिलने की क्या गारंटी है। तो आज मैं वेद को ढूंढ रहा था, गारंटी के ढूंढने के लिए मैं वेद के मंत्र को खोज रहा था, तो आज मंत्र मिल गया और उसमें गारंटी भी दे दी भगवान ने, आपको आश्वस्त कर दिया कि आपको क्या क्या मिल सकता है। महर्षि दयानंद जी महाराज वेद का भाष्य करते हुए कहते हैं, स्वयं भगवान कह रहे हैं, जो व्यक्ति प्रेम और सत्य आचरण के साथ, प्रेम और सत्य आचरण के द्वारा मेरी शरण में आएगा, उसकी अविद्या को मैं अंतर्यामी रूप से नष्ट करके उसकी आत्मा को प्रकाशित करके उसे श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभाव वाला बनाकर उसमें सत्यमय आचरण स्थापित करके उसे योग से उत्पन्न होने वाला शुद्ध विज्ञान देकर और सब दुखों से छुड़ाकर मोक्ष प्राप्त कराता हूं। स्वयं ये वेद में भगवान लिख रहे हैं, स्वयं मनो ज्योतिर जूषताम आज्यस्य बृहस्पतिर यज्ञम इमं तनोत्वरिष्टम यज्ञम समिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्तामो ओम प्रतिष्ठाः। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है, भगवान ऐसा ही करता है, पर शरण में प्रवेश करने का रास्ता क्या है। वैसे तो हर रोज जाते हैं, वो होते हैं ना, शरण में आए प्रभु तेरी गीत तो रोज गाते हैं, ओम जय जगदीश हरे रोज गाते हैं, पर वो तो बात परमेश्वर कहते नहीं कि ऐसा तुम गाओ। क्या कहते हैं, जो प्रेम और सत्य आचरण के द्वारा हु कम्स इंटू माई शेल्टर अंडर माई रिफ्यूज बाई अटमोस्ट लव
और ट्रूथफुलनेस, ये दो रास्ते हैं। प्रेम, अच्छा जिससे प्रेम होता है सबसे पहले क्या होता है बताओ? जिससे प्रेम होता है उसकी हम सब बातें मानते हैं। जब तक प्रेम है आप उसकी बात मानेंगे। जिससे प्रेम होता है उसमें कोई बुराई नहीं दिखती। जिसमें जिससे प्रेम हो जाता है उसकी न्यूनता भी अच्छा ही लगने लगती है। जिससे प्रेम हो ना, तो काला रंग भी है ना, काला रंग बहुत सुंदर लगता है। मैं एक जगह पढ़ रहा था, लैला मजनू की कहानी है ना, तो मैं एक दिन पढ़ते पढ़ते कोई उसका प्रकरण आया, तो उसमें था लैला कोई ऐसा नहीं था कि बहुत ऐसा कोई बहुत सुव्यवस्थित बहुत सुंदर रूपवती कन्या, बोला ऐसे ही काली कलूटी सी ऐसे ही थी, ज़्यादा कोई ऐसा नहीं था, किसी लिखने वाले ने लिखा। पर उसे प्रेम हो गया उससे, उसका नाम क्या है जिससे, हाँ, और तब से ये शब्द मतलब बड़ा निंदित हो गया। कहने की बात यार, उसको पत्थर पुत्थर मारे जब वहाँ गया तो राजा को बड़ी दया आई। राजा ने अपनी कन्या भी और शहर की सुंदर सुंदर कन्या अपनी नगर की लाइन में लगा दी, बोला तू जिससे कहेगा उससे तेरी शादी करा देंगे। बहुत बड़ा, तेरे जैसा प्रेम नहीं देखा हमने। तो जब वो घूम करके सबको, उसके हाथ में माला थी, तू जिसके माला गले में डाल देगा, किसी के गले में माला नहीं डाली। तो बोला तुमने माला क्यों नहीं, बोला इनमें लैला जितनी सुंदर कोई नहीं है। बोला रे वो तो काली कलूटी है। बोला वो तुम्हारी आंखों से काली कलूटी दिखती है, जब मेरी आंख चाहिए उसके उसकी सुंदरता को देखने के लिए। तो जिससे प्रेम होता है उसके विषय में सब कुछ नेगेटिव भी पॉजिटिव होता है। इसलिए तो प्रेम विवाह बाद में टूट जाते हैं, पहले सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव होता है और बाद में फिर हो तुम तो ये हो वो हो, थोड़े दिन बाद में फिर टूट फूट हो जाती है विवाह के बाद में। महर्षि दयानंद जी महाराज लिख रहे हैं कि मेरी शरण में आने के दो ही रास्ते हैं, प्रेम प्रभु प्रेम। देखो जिसको प्रभु से प्रेम हो जाएगा ना, तो दुनिया उसके लिए मिट्टी के समान हो जाती है। फिर मिट्टी के समान कुछ नहीं है फिर उसके लिए दुनिया। और जिसे प्रभु से प्रेम नहीं है तो दुनिया की झूठन चाटता घूमता है आदमी। तो महर्षि दयानंद जी महाराज भाष्य करते हुए मंत्र का कहते हैं, प्रभु के साम्राज्य में प्रवेश करने के दो ही खिड़कियां हैं, प्रभु प्रेम और सत्याचरण। ये दोनों सब कुछ आ गया इसमें, सत्याचरण। तो जो प्रेम और सत्य आचरण के द्वारा मेरी शरण में आता है उसकी अविद्या समाप्त हो जाती है, विद्या का प्रकाश पैदा हो जाता है, अंतःकरण प्रकाशित हो जाता है और उसमें हर बात उसकी अच्छी लगने लगती है लोगों को। दूसरे लोग हैं ना, सब उसको मानने लग जाते हैं, फॉलो करने लग जाते हैं, उसके अनुयायी बन जाते हैं। धीरे 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 उसकी संसार में प्रतिष्ठा होती है, फिर धीरे धीरे उसके अंतरात्मा में प्रकाश हो जाता है, फिर उसका ध्यान टिकने लगता है, फिर उसकी समाधि लग जाती है, फिर वो मोक्ष में चला जाता है, बस फिर वो लौट के नहीं आता। इसलिए अच्छा कभी आपने जैसे पति पत्नी आपस में बिछुड़ जाएं, बहुत दिनों तक विदेश में या और कहीं चले जाएं या सेना इत्यादि की ड्यूटी पर चला जाता है, तो एक दूसरे के स्मरण में कभी कभी आंखों में आंसू आ जाते हैं, ऐसे लोग कहते हैं।
कि मुझे एक दिन हम किसी के घर में हवन करने गए थे, उसके पति विदेश गए हुए थे, तो उसने अपने पति की फ़ोटो रख रखी थी वहीं, तो उसकी तरफ देख करके उसकी आंखों में आंसू आ गए। बोला स्वामी जी, तीन साल हो गए इन्हें विदेश में गए हुए, अभी तक आए नहीं है। इसको कहते हैं प्रेम। कभी प्रभु के नाम के भी आंख में आंसू आए हैं? उससे तो तीन नहीं 300 साल हो गए मिले हुए हैं, उससे तो मिले ही नहीं। जब संध्या में, उपासना में, भक्ति में बैठ के आंखों से आंसू टप 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 करने लगे, तो समझो आपको प्रभु से प्रेम हो गया। और जिसको प्रभु से प्रेम हो जाए तो उसकी सारी कालिमा धुल जाती है, सारी। वो अलग ही एक अलग ही विभूति है। सारा संसार एक तरफ, जिसका पति योग्य है और घर वाले कहें कि सारी संपत्ति तुझे दे देंगे, ये दे देंगे, तू अपने पति को छोड़ दे, तो पत्नी कहती है सारा संसार भी कोई मुझे दे तो भी नहीं छोड़ती, इसी के साथ रहूंगी। मतलब पूरी दुनिया को एक तरफ रख के वो अपने पति का वर्णन करती है। ऐसे जिस दिन आप भी पूरी दुनिया को एक तरफ रख करके उस जगत पति का वर्णन कर लोगे, तो समझो आपको उससे प्रेम हो गया है। ये प्रेम की परिभाषा है। पहली कसौटी प्रभु के दरबार में जाने की, और दूसरी कसौटी है सत्य आचरण। ये बहुत जरूरी है। सत्य के बिना गति नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं सत्य स्वरूप है। और देखो एक बात बताता हूं, ऐसा नहीं है कि हमें झूठ बोलने से बहुत ज्यादा फायदा होता है, कुछ नहीं है। कोई साल में एक आध झूठ बोलने से कोई फायदा होता हो तो होता हो, बाकी तो झूठ हम स्वभाव बिगड़ने के कारण बोलते हैं, एक ज्यादा बोलने के कारण बोलते हैं। ज्यादा बोलने वाला आदमी झूठ बोलेगा, हर बात पे आगे बढ़ करके आए तो इतनी तो बातें दुनिया में होती नहीं, झूठी बातें घड़ के लाएगा। मैंने कई लोगों को देखा 10 बार टोकते हैं, 1 बार बोलते हैं, कभी झूठ नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो बहुत थोड़ा बोलेंगे। और एक को देखा मैंने, 1 बार टोक दिया 10 मिनट बंद ही नहीं हुआ। कहाँ से इतना सत्य है? सत्य कितना है? बहुत थोड़ा होता है। झूठ आडंबर है। सत्य आचरण, उसके लिए थोड़ा बोले। कोई कहानी बनाओगे, कोई चीज बताओगे, एग्जैगरेट करोगे, अतिशोक्ति करोगे, कुछ का कुछ लगाओगे, हैं, तो झूठ बोलना ही पड़ेगा। मैं काट दूंगा कसर, बैठ जा थोड़ा, पे मैं बंद थोड़ा हो गया हूँ। हाँ, कसर तो जब बताओगे ना, जब मैं बंद हो गया हूँ। हाँ मैं कसर काट दूंगा, कई दिन रह रहे हैं पे। तो प्रभु प्रेम। अच्छा, हम उसके पास जाएंगे तभी, उससे मिलने की कोशिश तभी करेंगे ना, जब उसमें ऐसे गुण होंगे जो हमें चाहिए। प्रेम का अर्थ है जो तुम्हें चाहिए वो आगे वाले में है। किसी को धन से प्रेम होता है, किसी को किसी से प्रेम होता है। एक बार हम रेलवे स्टेशन पे थे तो आग सेक रहे थे, बहुत पहले की बात है, जब ऐसे फक्कड़ जीवन में थे। रात को सर्दी लगी तो कोई बॉक्स वगैरह थे सेब के, सेब लोड अनलोड होती है, तो पड़े थे उनको जला के। मैंने कहा बहुत सर्दी है, बहुत सर्दी है, आग नहीं हो तो मर जाए आदमी। एक लाला जी बैठे थे वहीं, बोला नहीं नहीं नहीं, कुछ सर्दी वर्दी नहीं है, आप 1000-1000 नोटों की 10 गड्डियाँ मेरे को दे दो, छाती के लगा के सारी रात यहीं नंगा लेटा रहूँगा, बिल्कुल नहीं मरूँगा। उसे प्रेम है, गर्मी आती है और बोलते भी है, थोड़ा सा पैसा पास में आए ना, बोला बहुत गर्मी आ गई इसमें, धन भी गर्मी है। ऐसे प्रभु से प्रेम और सत्य आचरण के द्वारा जो उसकी शरण में आ गया,
उसका प्रभु ने कल्याण कर दिया। बस ज्यादा महंगा सौदा नहीं है। अच्छा क्या लगता क्या है, सच बोलने में क्या लगता है भाई? झूठ बोलने में तो बहुत कुछ लगता है, तेरी कसम मेरी कसम, फिर भी अगले को भरोसा ना हो ना तो बोला भगवान की कसम, फिर भी भरोसा नहीं हो तो बोला अपने सर की कसम, फिर भी नहीं होया तो बोला भाग के उसके सिर पर चिपट गया, बोला तेरे सर की कसम। कितना देखो कितना सत्य का तो विश्वास अपने आप ही हो जाता है, अपने आप ही। आंखें बता देती हैं व्यक्ति क्या बोल रहा है, आंखें। चेहरा बता देता है व्यक्ति सत्य बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। ये यहां की सिलवटें बता देती हैं कि क्या बोल रहे हैं। बहुत कुछ है व्याख्या। आप ये देखो सत्य बोलने में घाटा क्या है। कोई एक बात क्या है, किसी से झूठ बोला 2-5 लाख रुपए का फायदा हुआ। अरे 2-5 लाख में तो आजकल जुखाम का इलाज नहीं होता। क्या है उसकी पैसे की कीमत? और कीमत भी तब हो ना पैसे की जब हॉस्पिटल तक पहुंचने का मौका मिले। भाई पैसा काम तो तब आएगा ना जब हम जीवित हॉस्पिटल तक जाएं। रास्ते में टाइम बोल गई तो फिर कैसे क्या काम आएगा? कितनी दुनिया रात को आप केस, हर एक केस हर रोज सुन लोगे। कोई मित्र संबंधी प्यारा, अड़ोसी पड़ोसी, अपने शहर का, दूसरे का, नगर का, प्रांत का, कि वो व्यक्ति रात को सोया और सुबह उठा ही नहीं। कितने केस सुनते, पूरा क्वेटा शहर, पाकिस्तान में है क्वेटा शहर, रात को पूरे हंसते गाते नाचते खुश होते हुए सोए और रात को इतना भूकंप भयंकर आया सुबह वहां क्वेटा शहर ही नहीं मिला, पूरा शहर जमीन के अंदर धस गया, पूरा कुछ नहीं मिला, ऊपर प्लेन। पैसा भी काम तब आता है जब हॉस्पिटल तक पहुंचने की फुर्सत मिले। पर सत्य के लाभ मैं बता देता हूं, एक तो प्रभु के प्यारों की गिनती में आ गए। अब आप यहां बैठे हो और अभी आपके पास में माननीय मनोहर लाल जी खट्टर मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार का फोन आ जाए कि भाई मैं आपसे मिलना चाहता हूं और आप जल्दी आ जाओ, बस अभी मेरे पास 5 मिनट का समय है। यहां बैठे रहेगा कोई? यूं कह दे मुख्यमंत्री, वे जितने यज्ञशाला में बैठे हैं मुझे बहुत जरूरी बात करनी है सबसे एक एक और मैं मिलना चाहता हूं, तो आप 5 मिनट के अंदर आ जाओ। यहाँ कौन बैठेगा? भाग जाएंगे सब। जिसको यज्ञ से प्रेम होगा वो यहाँ रह जाएगा, जिसको मुख्यमंत्री से प्रेम होगा वहां चला जाएगा। तो ऐसा ही हमारा जीवन है, जिसको प्रभु से प्रेम है वो तो झूठ बोलेगा नहीं, वो तो सत्य आचरण ही करेगा। और जिसको यो है कि मुझे तो छल कपट की दुनिया में गोल्ड मेडल देना है तो कुछ भी करेगा, उसमें तो क्या है?